नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। आज बदला सा नजर आया फिरोजाबाद का सरकारी बस स्टैंड। कल तक जिस सरकारी बस स्टैंड में बनी रहती थी गंदगी, भवन भी आता था पुराना सा नजर। शौचालयों में बनी रहती थी गंदगी, आज सब कुछ नजर आया कुछ नया सा। कभी बसों के लिए मोहताज रहने वाला सरकारी बस स्टैंड में आज पहुंचना शुरू हो गई दूर दूर तक की बसें। नहीं होता था कभी अनाउंसमेंट, आज सुनाई दे रही है गूंज। खुली रहती थी कैंटीन और दुकानें, आज डला रहा शटर। नहीं पहनते थे कभी चालक परिचालक यूनिफॉर्म, आज भी आए ड्रेस में नजर। आखिर क्या था, आज हर कोई बस स्टैंड का नज़ारा देखकर सोच में पड़ गया। किसी ने सोचा कि जन्माष्टमी की धूम है, तो किसी ने सोचा जरूर आता होगा कोई बड़ा अधिकारी। फिलहाल बता दें कि आज फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू फिरोजाबाद में उनके आगमन की सूचना के बाद परिवहन विभाग निगम के अधिकारियों सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए और रातों रात तैयारियों में जुटे रहे। क्या कुछ कहा सरकारी बस स्टैंड का बदला सा चेहरा देख कर लोगों ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज तो समझ लीजिए बिल्कुल ही बदलाव लग रहा है। पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। प्रमुख सचिव नहीं आ रहे हैं, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। अगर ये ऐसे ही रोज व्यवस्था बनी रहे तो बहुत अच्छा लगे, रोड भी अच्छा लगे। और एक मेरी प्रमुख सचिव से एक मांग और है, जो बसें बाहर निकल जाती हैं वो कृपा करके बस स्टैंड के अंदर आए तो उनकी अति मेहरबानी होगी। जन्माष्टमी का वो एक उपहार हमको मिल जाएगा। आज बदलने के लिए तो जो समझो इसमें 1% काम नहीं था, आज पूरा 100% काम हो रहा है। जैसे सफाई हो गई, यहाँ पहले बोर्ड नहीं लगा था, बस स्टैंड रोडवेज का कोई जानता भी नहीं था कि रोडवेज बस स्टैंड है कि नहीं, आज पता चल रहा है कि रोडवेज बस स्टैंड है। अधिकारी कर्मचारी साहब तो गाइड भी नहीं थे यहाँ, आज गाइड भी लग गए हैं और जो सफाई कर्मचारी एक था दो लग गए हैं। कोई आज पहले व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि जो यहाँ पर कोई कह सके कि बस स्टैंड है।